रश्मि देसाई एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। एक टॉप वह कलर्स टेलीविजन चैनल के धारावाहिक उतरन में तपस्या ठाकुर के लिए जानी जाती है। तीन टेलीविजन पर काम करने से पहले वह कई बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी है। ये फिल्में हिंदी, असमी, बंगाली, मणिपुरी और भोजपुरी भाषाओं में बनी है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। बचपन में उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में भी कार्य किया है। रश्मि ने हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, असमिया और मणिपुरी फिल्मों में भी कार्य किया है। नंदीश संधु से विवाह करने के बाद रश्मि वर्ष 2013 में गर्भवती हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उनका गर्भपात हो गया। उन्हें खाना पकाना नहीं आता है। रश्मि एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नर्तक भी है। रश्मि देसाई का जन्म शिवानी देसाई 13 का जन्म 13 फरवरी 1986 4567 को असम के नागांव शहर में हुआ था। 86 वह मूल रूप से गुजराती हैं। 9 उनका एक भाई है गौरव देसाई। देसाई का पालन पोषण मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई वहीं से की। 10 रश्मि ने नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से टूर एंड ट्रेवल्स में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। देसाई ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत क्षेत्रीय फिल्मों से की, जहां वह 2002 में कन्यादान नामक असमिया भाषा की फिल्म में दिखाई दी। देसाई ने वीरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा निर्देशित 2004 की रोमांटिक मिस्ट्री ये लंबी जुदाई के से शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने एक कॉलेज छात्रा शीतल की भूमिका निभाई, जिसकी बड़ी बहन टंडन द्वारा अभिनीत की हत्या कर दी जाती है। 2008 में देसाई को डेली सोप में पहला बड़ा ब्रेक मिला, जिसने उन्हें स्टार वन के परिमिति में निक्की श्रीवास्तव और परी राय चौधरी की दोहरी भूमिका के साथ सुर्खियों में लाया। 17-18 रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित और निर्मित इस श्रृंखला में मोहित मलिक और करणवीर मेहरा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। ये शो दो हमशक्लों की कहानी पर आधारित था। परी एक अभिनेत्री और निक्की एक साधारण लड़की जो एक दूसरे से टकराती हैं, अपनी पहचान बदल लेती हैं और एक दूसरे की जिंदगी जीना शुरू कर देती हैं। 19 इसके बाद देसाई स्टार वन की हॉरर थ्रिलर एंथोलॉजी श्रृंखला शशिश फिर कोई है में मनीष कौर के साथ प्रिया के रूप में दिखाई दी। 2009 में कलर्स टीवी के लंबे समय से चल रही सोप ओपेरा उतरन में प्रवेश करने पर देसाई ने व्यापक प्रशंसा और पहचान अर्जित की, जहां उन्होंने टीना दत्ता और नंदीश संधु के साथ समानांतर मुख्य भूमिका निभाई। श्रृंखला दो दोस्तों, इच्छा और तपस्या की कहानी पर आधारित है, जो समाज के विभिन्न स्तरों से आते हैं। देसाई ने वयस्क तपस्या ठाकुर की भूमिका निभाने के लिए इशिता पांचाल की जगह ली, जो एक अमीर लड़की है जो अपने माता पिता द्वारा अपने दोस्त की तुलना में कम प्यार महसूस करने पर अपनी नानी के बहकावे में आ जाती है। उद्धरण वांछित उत्तरण ने भारतीय टेलीविजन के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोले, जिससे देसाई देश के परे एक घरेलू नाम बन गए। 20 उत्तरण के लिए देसाई को कई प्रशंसाएं और नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईटी पुरस्कार और 2010 में लोकप्रिय नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इंडियन टेली अवार्ड शामिल हैं। जनवरी 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया। 7 नवंबर 2012 को वह सकारात्मक रंगों के साथ उत्तरण में लौट आई और रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए 2014 में फिर से शो छोड़ दिया। 21 2017 में देसाई ने कलर्स टीवी की ड्रामा सीरीज दिल से दिल तक में सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मीन भसीन के साथ अभिनय किया। देसाई को शोरवरी भानुशाली की भूमिका में लिया गया था, जो एक महिला थी जो अपने पति के प्यार और मां बनने की इच्छा के बीच फंसी हुई थी। 37 की श्रृंखला हिंदी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके 2001 पर आधारित थी। 38 देसाई ने अपनी भूमिका का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं करती है। वह जो महसूस कर रही है उसे व्यक्त करने के लिए इशारों, आंखों और अपने चेहरे के भावों का उपयोग करती है। ये दिलचस्प है। वास्तव में एक अभिनेता के रूप में यह मुझे बहुत कुछ देता है। प्रदर्शन की गुंजाइश 39 श्रृंखला में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गोल्डन पेटल अवार्ड्स 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के तहत नामांकित किया गया था। 40